I'm curious, what have you been filming recently? What are you going to be doing this year, if you don't mind saying? I just finished a film called Inside with a Greek filmmaker, shot it in Germany. And the thing that's interesting about that is it's basically I'm the only actor. There's one section of fantasy sequence where there are other actors, but basically every day in and out, it was me and that crew locked in a house shooting this movie. So that we just wrapped, so it's a little premature to talk about, but I've been doing that. And the other things that I've been doing lately, I prefer to wait until we're ready for them to come out. हेलो गाइस, मेरा नाम है विशेष और आप देख रहे हैं मार्वल लवर्स इंडिया। तो आज हम बात करने वाले हैं स्पाइडरमैन नो वे होम के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। रिसेंटली हाल ही में विलियम डिफो का इंटरव्यू आया था कोलाइडर से, यानी कोलाइडर एक न्यूज़ है, उन्होंने इंटरव्यू दिया था। तो उनसे पूछा गया था कि आप क्या कर रहे हो इस टाइम, आप किस मूवी में काम कर रहे हो, मतलब किस मूवी का प्रोजेक्ट फिल्मिंग कर रहे हो। तो विलियम डिफो ने अपना जवाब दिया कि मैं अभी बहुत काम कर रहा हूँ, मैं फिल्मिंग कर रहा हूँ। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि वो स्पाइडरमैन नो वे होम की फिल्मिंग कर रहे हैं ग्रीन गॉब्लिन के रोल में। तो अभी वेट करते हैं ऑफिशियल कंफर्मेशन का क्या होता है कि हम, मेरे हिसाब से तो विलियम डिफो दिखने वाले हैं स्पाइडरमैन नो वे होम में। बाकी एंड्रू गारफील्ड ने और एमा स्टोन ने मना किया था, वो भी दिखेंगे। बाकी देखते हैं टोबी मैग्वायर एंड क्रिस्टन डंस्ट का क्या कहना है। और अब बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो रिसेंटली एक अपडेट आई, आप देख सकते हो, हाय थैंक फॉर ईमेल, वी नो वी डोंट सेडली दैट। तो किसी भी अमेरिका के थिएटर में स्पाइडरमैन नो वे होम का ट्रेलर नहीं आया है। किसी भी अमेरिका के थिएटर में नो वे होम का ट्रेलर नहीं आया। अब पता नहीं ट्रेलर कब आएगा। सोनी पिक्चर्स से कह कह के तो कह रहे हैं कि ट्रेलर लाओ लाओ। तो सोनी पिक्चर्स की जैपनीज ने अपने ट्विटर अकाउंट में डाला, आप देख सकते हो, ये जैपनीज ने ट्विटर अकाउंट में डाला है। तो उन्होंने बाद में ट्रेलर को ट्विटर को डिलीट कर दिया था फ्यू मंथ्स में। और अब बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो मार्वल स्टूडियोज़ के प्रेसिडेंट केविन फैगी ने एमसीयू डायरेक्ट का इंटरव्यू हुआ था। उन्होंने ये कहा था कि मार्वल स्टूडियोज़ हेड केविन फैगी क्लोजली पार्टनरिंग विद सोनी टीम एंड कन्फर्म्स एंड डिज्नी देयर इज़ अ लेवल ऑफ कंसिडरेशन टू मेक श्योर दैट विन एंड विन फॉर एवरीबॉडी। तो जल्दी ही स्पाइडरमैन नो वे होम की मार्केटिंग शुरू होने वाली है। और अब बात करते हैं ट्रेलर कब आने वाला है। तो मेरे हिसाब से तो मैंने आप लोगों को रूमर दिया था कि टोबी मैग्वायर के बर्थडे वाले दिन आएगा, यानी कि 27 जून को। तो अभी 27 जून नज़दीक है, अगर 27 जून को आया तो ठीक है, नहीं तो जुलाई में आ सकता है, क्योंकि अब जून ख़त्म होने वाला है, जुलाई में ही आएगा ट्रेलर। क्योंकि 9 जुलाई को कह रहे हैं ब्लैक विडो के साथ अटैच होगा, 14 जुलाई को आ सकता है, और अपडेट में ये कि 22 जुलाई को आ सकता है। अब पता नहीं क्या है, देखते हैं, जब आएगा ट्रेलर तो बता दूंगा आप लोगों को। सो गाइस, कैसा लगा मेरे वीडियो, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करो, और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को अभी की अभी सब्सक्राइब करो। टिल देन मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नहीं सब्सक्राइब मार्वल लवर्स इंडिया। मार्वल लवर्स इंडिया, कीप लविंग।